Hello students, welcome to Vaishali's e-learning. In this particular video, we are going to discuss questions from Unit 5 of Data Communication Networks. So, questions ki taraf badhne se pehle, let us first have a look at the topics that we cover in Unit 5. So, Unit 5 mein hum log transport layer mein jo bhi protocols use hote hain, unko discuss karte hain. Usmein hum UDP aur TCP ke baare mein discuss karte hain. ATM, cryptography, network security, session layer, design issues. Alright, so transport layer, session layer, presentation layer और application layer, ये चारों जो layers हैं वो हम unit 5 में discuss करते हैं. ठीक है, application layer में हम file transfer, electronic mail, HTTP, www and SMTP, ये सारे topics discuss करते हैं. ठीक है, so transport layer, session layer, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, इनके जो भी टास्क होते हैं वो हम लोग ब्रीफ में यूनिट 5 में डिस्कस करते हैं. सो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड दैट इज आल्सो एब्रिविएटेड एज DES. सो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड क्या होता है? इट इज अ ब्लॉक साइफर. सो आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूजेस डैश कीज. सो क्रिप्टोग्राफी में आपके पास दो तरीके की क्रिप्टोग्राफी होती है, एक होती है सिमेट्रिक और दूसरी होती है आपके पास एसिमेट्रिक. सिमेट्रिक में क्या होता है, आपके पास एक की होती है जो हमें मैसेज के साथ भेजनी होती है ताकि हमारा रिसीवर मैसेज को डिक्रिप्ट कर पाए. एसिमेट्रिक में क्या होता है, आपके पास एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है. सो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज यूजिंग टू कीज, पब्लिक की एंड प्राइवेट की. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, यूडीपी इज यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज. सो यूडीपी जो प्रोटोकॉल है वो इसमें से कौन कौन से एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल उसको यूज करते हैं. सो इफ आई हैव अ लुक एट द ऑप्शंस, आई हैव 6 प्रोटोकॉल्स और इन 6 प्रोटोकॉल में से DHCP, SNMP एंड TFTP, ये प्रोटोकॉल्स हैं जो UDP की सर्विसेज को यूज करते हैं. UDP जो होता है, इट इज अनरिलायबल एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल. ठीक है, UDP हम ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज करते हैं. ऑल राइट, सो UDP अनरिलायबल होता है और एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है. तो UDP की सर्विसेज को ये 3 प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं. तो हम लोगों ने अपने सिलेबस में ये प्रोटोकॉल्स नहीं पढ़े हैं, हम लोगों ने ये वाले प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं, SMTP, FTP एंड HTTP. ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अ वेब कुकी इज अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा दैट इज. सो कुकी क्या होता है, इट इज अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा जो कि हमारी वेबसाइट भेजती है और वो हमारे वेब ब्राउजर में सेव होता है. जब हम किसी भी वेबसाइट को ब्राउज करते हैं, ठीक है, तो इट इज द स्मॉल पीस ऑफ डेटा दैट इज सेंड फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर इन द यूजर्स वेब ब्राउजर. सो आंसर फॉर दिस वुड बी ऑप्शन ए. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द पोर्ट्स यूज्ड बाय FTP इंक्लूड. सो जब भी हम ट्रांसपोर्ट लेयर में हम पढ़ रहे थे कि हम एक पोर्ट एड्रेस असाइन करते हैं, ठीक है, पोर्ट एड्रेस असाइन करते हैं जो कि 16 बिट्स का होता है. नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन लेयर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में हम कौन कौन से पोर्ट्स यूज करते हैं? वी आर गोइंग टू यूज पोर्ट 20 एंड पोर्ट 21. सो आंसर फॉर दिस वुड बी ऑप्शन सी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, FTP इज बिल्ट ऑन द आर्किटेक्चर. तो FTP जो होता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे वर्क करता है, जहाँ पे आपके पास एक क्लाइंट होता है एंड यू हैव अ सर्वर. सो आपको कोई फाइल फेच करनी है, ठीक है, तो आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजोगे एंड यू विल बी एबल टू फेच द फाइल. सो जो बेसिक आर्किटेक्चर होता है वो क्लाइंट सर्वर वाले उस पर वर्क करता है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वट इज अ वेब ब्राउजर. सो व्हाट इज अ वेब ब्राउजर, इफ आई हैव अ लुक एट द क्वेश्चन, जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं कि इट इज अ प्रोग्राम दैट कैन डिस्प्ले अ वेब पेज, सो दिस वुड बी करेक्ट. अ प्रोग्राम यूज टू व्यू HTML डॉक्यूमेंट्स, यस इट विल बी करेक्ट, क्योंकि वेब पेज को हम HTML में ही लिखते हैं. इट इनेबल्स यूजर टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ द इंटरनेट. सो ये तीनों ही ऑप्शंस वेब ब्राउजर के बारे में करेक्ट है. सो आंसर फॉर दिस वुड बी ऑप्शन डी. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, Which of the following services use TCP? So अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हम UDP की सर्विसेज कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो देखा था.
ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि टीसीपी की सर्विसेज को कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करते हैं। सो एसएमटीपी, एचटीटीपी एंड एफटीपी, ये तीन प्रोटोकॉल टीसीपी की सर्विसेज यूज करते हैं। ऑलराइट, आंसर फॉर दिस वुड बी ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोर्ट नंबर ऑफ डैश बिट्स इज असाइंड टू आइडेंटिफाई अ प्रोसेस। तो जब हमारे पास एक होस्ट सिस्टम होता है, होस्ट सिस्टम है हमारे पास और एक रिसीवर सिस्टम होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस रन कर रही होगी और आपके रिसीवर पे भी मान लो एक प्रोसेस रन कर रही है, तो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए हम इस प्रोसेस को एक नंबर असाइन करते हैं जो कि एक 16 बिट नंबर होता है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द पोर्ट एड्रेस, ठीक है, और पोर्ट एड्रेस जो होता है दैट इज ऑफ 16 बिट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इफ द एच लेंथ फील्ड इन द टीसीपी डेटाग्राम इज 1100, हेडर लेंथ विल बी। तो टीसीपी डेटाग्राम होता है, जब हम टीसीपी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो टीसीपी अपना एक हेडर ऐड करेगा, ठीक है, टीसीपी अपना एक हेडर ऐड करेगा और उसमें एक फील्ड होती है जो कि होती है एच लेंथ फील्ड। तो अगर उस फील्ड की वैल्यू है 1100, तो सबसे पहले मैं इसकी इक्विवेलेंट डेसिमल फाइंड आउट करूंगी। इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या आने वाला है, दैट इज 12। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर मुझे मिलेगा दैट विल बी द हेडर लेंथ, ठीक है। आपके हेडर की लेंथ क्या है वो ये पर्टिकुलर फील्ड मुझे बताती है, एंड जो भी बाइनरी वैल्यू उसमें स्टोर्ड है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, पहले उसका डेसिमल निकालना है और 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको हेडर की लेंथ जो है वो मिल जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर की जो प्रोटोकॉल्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सिलेबस में भी क्लियरली दिए हुए हैं। तो इस सब प्रोटोकॉल में से टीसीपी जो है इट इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। टीसीपी एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक मेल यूजेस विच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल में हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, इट इज एसएमटीपी, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दैट वुड बी मच इजियर, अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो आप इसको आंसर को प्रिडिक्ट कर पाओगे कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए यूज होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द डैश ट्रांसलेट्स इंटरनेट डोमेन एंड होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, ये होता है डीएनएस सिस्टम का, यानी डोमेन नेम सिस्टम का। जब भी हम किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, सपोज हम लिखते हैं xyz.com, तो ये एड्रेस हम यूजर को दिया गया है ताकि यूजर को आसानी हो किसी भी पर्टिकुलर वेब सर्वर या किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करने में। बट एक्चुअली ये क्या होगा, इसके बैकएंड पे ये एक आईपी एड्रेस है, तभी तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकेगा कि हम कौन से सर्वर से डेटा फेच करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये काम आपने xyz.com लिख दिया क्योंकि आप नंबर्स को याद नहीं रख सकते हो, तो ये डोमेन नेम एड्रेस को आईपी एड्रेस में जो ट्रांसलेट करने का काम होता है वो होता है डीएनएस सिस्टम का, डोमेन नेम सिस्टम का, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यूजर एट वन साइट टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन टू यूजर टू अनदर साइट, ठीक है, एंड देन पास की स्ट्रोक्स फ्रॉम लोकल होस्ट टू रिमोट होस्ट। तो कौन सा पर्टिकुलर प्रोटोकॉल इसमें से आपको रिमोट एक्सेस का प्रोविजन प्रोवाइड करता है। सो आउट ऑफ द प्रोटोकॉल्स दैट आर देयर यू हैव टेलनेट विच इज अलाउइंग अस टू हैव रिमोट एक्सेस, ठीक है। आपका कंप्यूटर एक दूसरी साइड पे है और दूसरा जो आपका दूसरा का रिमोट होस्ट दूसरे पर्टिकुलर लोकेशन पे है, तो आप इस प्रोटोकॉल की हेल्प से आप रिमोट लोकेशन वाले सिस्टम को है जो है वो एक्सेस कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हेन डिस्प्लेइंग अ वेब पेज द एप्लीकेशन लेयर यूजेस द, सो वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए जो एप्लीकेशन लेयर एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज करता है, ठीक है। एक्चुअली प्रोटोकॉल वर्ड यहाँ पे नहीं आना चाहिए, एचटीटीपी इटसेल्फ इज इंक्लूडिंग द वर्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये अलग से एडिशनल प्रोटोकॉल लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, एचटीटीपी इज हैविंग द वर्ड इटसेल्फ, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को फेच करने के लिए यूज होता है, वो उन्हें रीड कर पाता है, ठीक है। उन्हें एक्सेस करने के लिए, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम इस प्रोटोकॉल की हेल्प लेते हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इन द प्रोसेस ऑफ फेचिंग अ वेब पेज फ्रॉम अ सर्वर द एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टेक्स।
तो जब आपको वेब सर्वर से एक वेब पेज को फेच करना होता है तो आपको कितना राउंड ट्रिप टाइम लगता है, हाउ मेनी ट्रिप्स यू आर गोइंग टू टेक, तो आंसर फॉर दिस वुड बी वन, वन आरटीटी. आरटीटी इज हियर राउंड ट्रिप टाइम. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एफटीटीपी इज बिल्ट ऑन, सो वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑपरेटिंग मोड ऑफ टेलनेट इज फुल डुप्लेक्स. टेलनेट में काफी सारे मोड्स होते हैं जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, जब आप टेलनेट में पढ़ोगे, क्लास में पढ़ा था तो वहां आपने डिस्कस किया होगा कौन कौन से मोड्स होते हैं. तो लाइन मोड जो होता है दैट इज फुल डुप्लेक्स. फुल डुप्लेक्स का मतलब आप दोनों तरफ दोनों डायरेक्शन में डेटा भेज सकते हो साइमल्टेनियसली, ठीक है. तो लाइन मोड में अगर आप टेलनेट यूज कर रहे हो तो आप रिमोट से, रिमोट होस्ट से लोकल होस्ट पे दोनों डायरेक्शन में डेटा भेज सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अ पीस ऑफ आइकन और इमेज ऑन अ वेब पेज एसोसिएटेड विद अनदर वेब पेज इज कॉल्ड, सो दिस इज अ वेरी इजी वन, इट इज कॉल्ड अ हाइपर लिंक. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, डायनेमिक वेब पेज. अगर आपको डायनेमिक वर्ड का मतलब पता है तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे, ठीक है. डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो वेब पेज की बेसिकली जो कंटेंट है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है. तो डायनेमिक वेब पेज का क्या होता है, इट्स फर्स्ट लेट अस हैव अ लुक एट ऑप्शन ए इज सेम एवरी टाइम व्हेनेवर इट डिस्प्लेस, तो ये आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है. जनरेट्स ऑन डिमांड बाय अ प्रोग्राम और रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर, सो दिस कैन बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि ये डायनेमिक हो रहा है. ऑलराइट, बोथ इज सेम एवरी टाइम व्हेनेवर इट डिस्प्लेस एंड जनरेट ऑन डिमांड, सो ये भी इसके लिए स्पेसिफिक नहीं रहेगा. आंसर फॉर दिस वुड बी ऑप्शन बी, तो जब भी यूजर जो है कुछ रिक्वेस्ट करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग उस वेब पेज को वहां पे मॉडिफाई कर दिया जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू टीसीपी. टीसीपी और यूडीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, तो आपने ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में इन दोनों प्रोटोकॉल को जरूर अच्छे से पढ़ लेना है. तो टीसीपी जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है. अनरिलायबल ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, तो अनरिलायबल प्रोटोकॉल मैं इसको नहीं कहूंगी. आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी. यहीं पर अगर मैं यूडीपी के बारे में बात कर लूं तो यूडीपी क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है वो, ठीक है. यूडीपी क्या होगा, इट इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, और इसी रीजन की वजह से वो अनरिलायबल भी होता है, ठीक है. तो यूडीपी के केस में कनेक्शन लेस होगा और अनरिलायबल होगा. प्रोसेस टू प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ये दोनों यूडीपी के केस में भी सही आंसर रहेंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूडीपी हेडर इज ऑफ. जब हम यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करेंगे तो क्या होगा, आपको प्रीवियस लेयर से जो डेटा मिला आप उसमें हेडर ऐड करोगे. ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब डेटा आएगा तो आप अपना हेडर ऐड करोगे उसमें. अगर यूडीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हेडर ऐड करोगे, तो वो जो हेडर होता है वो 8 byte का होगा इन केस ऑफ यूडीपी. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इफ एचलेन फील्ड इन टीसीपी हेडर इज 1000 और 1000, द हेडर लेंथ विल बी. सो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस ओनली यहाँ पे द नंबर इज बिंग चेंज. सो इसका मैं अगर डेसिमल करूंगी तो वो होगा 8 × 4 इज 32. सो हेडर की लेंथ क्या होगी, 32 bytes. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ एक्नॉलेजमेंट फील्ड इन अ सेगमेंट डिफाइंस, ठीक है. तो अगर आपने प्रीवियस यूनिट्स में ढंग से डिस्कस पढ़ा है एक्नॉलेजमेंट के बारे में तो अभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे, ठीक है. तो एक्नॉलेजमेंट क्या बताती है कि अगला बाइट उसको कौन सा रिसीव करना है, उसका सीक्वेंस नंबर हमें एक्नॉलेजमेंट फील्ड से पता लगता है. सपोज मेरे पास 4, 5, 6 फ्रेम्स आ गए हैं, तो अब इसका मतलब है 4, 5, 6 तो मुझे प्रॉपर्ली मिल गए हैं, अब मैं अगला नंबर क्या भेजूंगी, 7. दैट मीन्स आई एम सेंडिंग द एक्नॉलेजमेंट कि अब अगला 7 भेजो, इसके पहले के सारे फ्रेम्स जो है वो मुझे मिल गए हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वॉट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ यूडीपी डेटाग्राम. तो यूडीपी डेटाग्राम की लेंथ के करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा यहाँ पे, सो इट विल बी यूडीपी लेंथ इज इक्वल टू आईपी लेंथ माइनस आईपी हेडर्स लेंथ. आंसर इज ऑप्शन ए. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द डैश फील्ड इज यूज्ड टू डिटेक्ट एरर्स ओवर द एंटायर यूजर डेटाग्राम. सो यहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे आप इसको आंसर कर पाओगे कि चेकसम जो होता है वो एरर करेक्शन डिटेक्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है. तो आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इन क्रिप्टोग्राफी व्हाट इज अ साइफर. क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, आपने जो ओरिजिनल मैसेज है हेलो, हेलो को एज इट इज नहीं भेजना है, इसको कुछ कुछ आपको क्या करना है, इसको इनक्रिप्शन करना है. जैसे मान लो हेलो को मैं भेज रही हूँ #&@.. हेलो को मैंने इस तरीके से लिख दिया, तो कोई भी जो अनऑथराइज यूजर है वो अगर इसको देखेगा
तो वो इसे पढ़ तो पाएगा कि ये क्या लिखा है, लेकिन वो इसको ये नहीं पता लगा पाएगा कि एक्चुअल जो मैसेज है वो क्या है, इसको समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्रिप्टोग्राफी करते हैं, हम अपने डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं। तो इनक्रिप्शन किया हमने, अब रिसीवर पे क्या करना पड़ेगा, हमें रिसीवर पे डिक्रिप्शन करना पड़ेगा ताकि रिसीवर को समझ में आए कि ये क्या लिखा है। ठीक है, तो साइफर क्या होता है, एल्गोरिदम होता है जिसकी बेसिस पे हम इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं। तो सेंडर ने इनक्रिप्शन किया तो रिसीवर को पता होना चाहिए कि अब इसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में कैसे लेके आना है। ठीक है, सो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी द प्राइवेट की इज कैप्ट बाय। सो एसिमेट्रिक की में दो कीज होती है, हमने पहले डिस्कस कर लिया था, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। तो आपके पास जो रिसीवर होता है वो क्या करता है, अपनी प्राइवेट की को रखता है, और जो पब्लिक की होगी बी की, जो पब्लिक की होती है वो सभी को पता होती है। तो जो मैसेज होगा, आपने जो मैसेज भेजा है वो तभी डिकोड उसको कर पाएगा जब उसके पास प्राइवेट की होगी। ठीक है, तो प्राइवेट की किसके पास होती है, आपके रिसीवर के पास। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम स्टैंडर्ड्स डिफाइंड डैश लेयर। सो एटीएम स्टैंडर्ड में तीन लेयर्स होती हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एन एटीएम सेल हैज अ पेलोड फील्ड ऑफ। सो अगर मैं एटीएम सेल की बात करूं तो वो 53 बाइट्स का होता है, ठीक है, टोटल। लेकिन अगर पेलोड की बात करूं, जो एक्चुअल डेटा है वो कितने बाइट्स का होता है, 48 बाइट्स का होता है। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हेन बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर कनेक्टेड टू अ मेल सर्वर वाया अ लोकल एरिया नेटवर्क वी नीड। सो जब आपका सेंडर और रिसीवर लोकल एरिया नेटवर्क की हेल्प से कनेक्टेड है मेल सर्वर पे, तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो आपको दो यूजर एजेंट की जरूरत पड़ेगी, दो मैसेज ट्रांसफर एजेंट की जरूरत पड़ेगी, और एक पेयर ऑफ MAAs यानी मैसेज एक्सेस एजेंट की जरूरत पड़ेगी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द एक्चुअल मेल ट्रांसफर इज डन थ्रू। सो एक्चुअल मेल ट्रांसफर जो होता है वो मैसेज ट्रांसफर एजेंट के थ्रू होता है। आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, डैश इज मोर पावरफुल एंड कॉम्प्लेक्स देन। सो आंसर फॉर दिस वुड बी आई मैप 4 विल बी मोर पावरफुल एंड कॉम्प्लेक्स देन POP3। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इन FTP द वेल नोन पोर्ट इज यूज फॉर कंट्रोल कनेक्शन इन द वेल नोन पोर्ट फॉर डेटा कनेक्शन। FTP में हम दो पोर्ट यूज करते हैं, पोर्ट 20 एंड 21। इसका क्वेश्चन हमने भी डिस्कस कर लिया था कुछ देर पहले। सो जो पोर्ट नंबर 21 होता है वो कंट्रोल कनेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है, और पोर्ट 20 जो होता है वो डेटा कनेक्शन के लिए यूज होता है। तो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द डैश ट्रांसलेट्स NVT कैरेक्टर्स इनटू अ फॉर्म एक्सेप्टेबल बाय रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जब आपके पास एक सपोज लोकल है और यहाँ पे आपके पास रिमोट सिस्टम है, तो लोकल और रिमोट को कम्युनिकेट करना है, तो क्या होगा, लोकल ने जो भी मैसेज लिखा उसको NVT की फॉर्म में हम ट्रांसलेट करेंगे और ये जाएगा रिमोट के पास। रिमोट पे भी NVT में डेटा मिला, अब NVT से वापस उसको ऐसे फॉर्म में लाना है जो रिसीवर या रिमोट सिस्टम को समझ में आ जाए। तो ये काम किस पे करना होता है, ये होगा टेलनेट सर्वर के पास। सो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, जो कि वापस उसको उसी फॉर्म में लाएगा जो रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम समझ पाए। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इन FTP व्हेन वी डैश इट इज कॉपीड फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट। सो FTP में जब हम कोई फाइल को स्टोर करते हैं तो वो सर्वर से क्लाइंट पे कॉपी होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, टेलनेट इज एन एब्रीविएशन फॉर। सो टेलनेट जो होता है इट इज एन एब्रीविएशन फॉर टर्मिनल नेटवर्क, जहां पे हम किसी भी रिमोट होस्ट को एक्सेस कर पाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ मेल मैसेज अकर्स इन डैश फेजेस। सो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ मेल इज नॉट अकरिंग इन एनी फेज, ठीक है, आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन हियर। सो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, SMTP इज अ डैश प्रोटोकॉल। सो SMTP क्या होता है, इट इज अ पुश प्रोटोकॉल। ये सिर्फ मेल भेजने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, मेल को रिट्रीव करना है तो आपको कोई और प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। सो SMTP इज अ पुश प्रोटोकॉल। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इन FTP देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डैश, स्ट्रीम ब्लॉक एंड कंप्रेस। तो स्ट्रीम ब्लॉक एंड कंप्रेस ये किस की कैटेगरीज हैं, FTP के केस में ये ट्रांसमिशन मोड्स की कैटेगरीज हैं। स्ट्रीम एक ट्रांसमिशन मोड होता है, ब्लॉक होता है, और कंप्रेस्ड एक ट्रांसमिशन मोड होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इफ द सेंडर वांट्स एन ऑप्शन इनेबल्ड बाय द रिसीवर इट सेंड्स अ डैश कमांड। सो अगर सेंडर को कोई ऑप्शन इनेबल करवाना है रिसीवर से तो वो एक डू कमांड उसको भेजेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हेन द सेंडर इज कनेक्टेड टू द मेल सर्वर वाया अ लैन। सो अब इस केस में क्या है, पहले क्या था, सेंडर और रिसीवर दोनों कनेक्टेड थे, अब यहाँ पे सेंडर मेल सर्वर से कनेक्टेड है वाया लोकल एरिया नेटवर्क।
सो यहाँ पे यू विल नीड टू यूजर एजेंट्स एंड टू पेयर ऑफ मैसेज ट्रांसफर एजेंट्स. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज बाय द टेलनेट एप्लीकेशन इज, इट इज ऑप्शन ए टेलनेट. मूविंग टू द नेक्स्ट, अ टेलनेट ऑपरेशंस आर सेंट एज, सो टेलनेट में जब भी आपको किसी लोकल होस्ट से जो आपका रिमोट होस्ट है उस पर कुछ भी डेटा भेजना है, कुछ भी कमांड भेजनी है, तो वो एक 8 बिट के फॉर्म में भेजी जाएगी. सो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी. मूविंग टू द नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ एफटीपी इज, सो एक्सपेंशन ऑफ एफटीपी इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. नेक्स्ट, द डेटा ट्रांसफर मोड ऑफ एफटीपी इन विच ऑल फ्रेगमेंटिंग हैज टू बी डन बाय टीसीपी इज, सो जब भी आपको डेटा को फ्रेगमेंट्स में करना है तो वो टीसीपी करेगा, और वो कौन से मोड में होता है, वो स्ट्रीम मोड में होता है. ठीक है, ब्लॉक मोड और कंप्रेस मोड भी एफटीपी के ही मोड्स होते हैं, ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं, लेकिन स्ट्रीम मोड में जो फ्रेगमेंटिंग होगी वो क्या होगी, दैट विल बी डन बाय द टीसीपी. मूविंग टू द नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ वेब पेज विच कंसिस्ट ऑफ 4 जेपीजी इमेजेस एंड एचटीएमएल टेक्स्ट इज, सो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, इसमें 5 ऑब्जेक्ट्स होंगे, 4 इमेजेस हैं आपके पास और एक एचटीएमएल टेक्स्ट फाइल. मूविंग टू द नेक्स्ट, द HTTP response message leaves out the requested object when dash method is used. So answer for this would be option C. HTTP response message leaves out a requested object when head method is used. Moving to the next, which is not an application layer protocol? We have discussed this before. So हम अगले question की तरफ बढ़ते हैं. The packet of information that the application layer is called. सो एप्लीकेशन लेयर पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, वो एग्जैक्ट आपका मैसेज होता है, रॉ मैसेज होता है. ठीक है, आगे जब वो फर्दर लेयर्स प्रोसेस उसको करेंगी तो वो उसमें अपना अपना हेडर ऐड कर देंगी. ठीक है, सो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी. सो दैट इज ऑल फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 5. अपार्ट फ्रॉम दिस आप सारे प्रोटोकॉल्स को अच्छे से कर लीजिएगा. ठीक है, क्रिप्टोग्राफी की काफी सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा. ठीक है, उसमें आपके पास AES से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, DES से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. ठीक है, सो यूनिट 5 में जो है प्रोटोकॉल्स और काफी कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, तो वो आपको अच्छे से कर लेना है. ऑलराइट, सो दैट इज ऑल फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 5. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.